बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, इनको आपका नाम? काशिफ। और आपका? अच्छा काशिफ, कितना अर्सा हुआ शादी को? माइक में बोलते हुए शर्म आए? ठीक है, ये आप पकड़े, ये पांच, यहीं से पता लग गया। इनको अंदर लेके जाओ बेटा, इनको बंद करो। वो कह रहे हैं, मैंने कहा कितना अर्सा हो गया शादी को, कह रहे 3 साल हो गए। भाभी को पता चल रहा है टाइम का? 5 साल हो गए। 4 हुए हैं। वो क्यों 3 कह रहे हैं? हैं? उनके दिन अच्छे गुजर रहे हैं? पता नहीं। जी काशिफ कहाँ है, उनको लग गए हेडफोन? हाँ भाई लग गए, उनको हमने बिठा दिया। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, ठीक है, और उन सवालों को हम मैच करेंगे काशिफ से। अगर वो सवाल मैच हो गए तो IHIG हैप्पीली की जानिब से तकरीबन 90,000 रुपये का पैकेज है, 3 रातें भूरबन और 3 रातें अपना बालाकोट में। बड़े ज़बरदस्त इनके होटल्स हैं वहाँ पे, पाकिस्तान की नंबर 1 वेकेशन ओनरशिप कंपनी है। सो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, शादी के बाद आप दोनों सबसे पहले किस रिश्तेदार से मिलने गए थे, या कौन आपसे मिलने आया था? बहन के घर गए थे। बहन के घर गए थे, ठीक है, बहन के घर, याद रखिएगा आप लोग। जी किसकी बहन? दूल्हे की बहन। दूल्हे की बहन, याद है? आप ये अब बैठी हुई अम्मा, ये सब बताएंगी। शादी के बाद सबसे पहले खाने की चीज क्या बनाई थी आपने? नहीं याद? खीर बनाई थी। अच्छा खीर बनाई थी। अच्छा इनकी जनरल नॉलेज अब ज्यादा या शादी से पहले ज्यादा थी? हैं? जनरल नॉलेज मतलब होती है ना, माइक में बोले जनरल नॉलेज इन अ सेंस के दुनिया के बारे में नो हाउ जरा ज्यादा होती है। पहले से भी थी, अभी भी है, तो मतलब अच्छा बाद में अब ज्यादा हो गई होगी। अब ज्यादा हो गई है, ठीक है, अब ज्यादा हो गई है, ठीक है। इन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा कब और क्यों आता है? जब वो बाहर से मतलब पूरे दिन ऑफिस से रह के वापस घर पर आए और बहुत सारे उनके ऊपर सवाल कर दे ऐसे, बहुत ज्यादा मतलब बोलने लग जाओ तो फिर इस तरह सवाल आज ज्यादा। अच्छा ऑफिस से वापस आने पे, हाँ तब आता है गुस्सा। अच्छा ज्यादा गुस्सा ज्यादा बोलने पे आता है? हाँ ज्यादा बोलने पे, ठीक है। आपको आदत है बातें करने की? बहुत। आप भी सारा दिन इंतजार करती होंगी कोई आएगा तो बोलूंगी? जी बिल्कुल। बच्चे हैं आप लोगों के? जी दो हैं। दो हैं, ठीक है। आपको कहीं हाई सैलरी ऑफर हो तो आपको जॉब करने देंगे? नहीं जॉब नहीं अलाउ। जॉब नहीं अलाउ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। समंदर की सैर के दौरान साहिल पर ही टहलते हैं या समंदर के अंदर घुस जाते हैं? नहीं नहीं साहिल पर ही अंदर नहीं जाते। अच्छा साहिल पे ही स्विमिंग? हाँ। नहीं आती इन्हें? नहीं वो बस खुद ही बस जाना मुझे तो पसंद है, लेकिन इनको इतना नहीं पसंद है, इसे हम आगे नहीं जाते। आगे नहीं जाते पर? हाँ, थोड़ा यूं करके आ जाते हैं। नहीं इतना भी टच नहीं करते। हाँ। थोड़ा आगे तक बस, बहुत आगे तक नहीं। अच्छा आगे तक थोड़ा, इतना इतना? हाँ मतलब हाँ इतना 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 भी नहीं, इतना 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 मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही आगे नहीं, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते, ठीक है। गुस्से में मतलब कंट्रोल में रहते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं? कंट्रोल में, बिल्कुल कंट्रोल। आपके भी कंट्रोल में? हाँ, कंट्रोल। अच्छा अगर इनको जज बनना पड़े, जज बन जाते हैं ये, कैसे जज होंगे? इंसाफ पसंद या? नहीं नहीं इंसाफ पसंद। इंसाफ पसंद होंगे, बिल्कुल, ठीक है जी। घर में भी ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ठीक है जी। बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हैं या टाल देते हैं? मतलब बहुत ज्यादा ही जब हो रही होती है फरमाइशें तब पूरी नहीं करते, मतलब ओवर नहीं करनी चाहिए बच्चों की वजह से भी। हाँ बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है बैलेंस रखते हैं, ठीक है ठीक है। आपका मोबाइल नंबर इन्हें जबानी याद है? हाँ याद है आई थिंक। जबानी मुझे तो इनका याद है, जबानी इनको पता नहीं इनका। कंफर्म बताएं, हम पूछेंगे उनसे। इनको नहीं याद, मेरा ख्याल नहीं याद। नहीं याद? नहीं याद मुझे, याद है आपको? याद है इन्हें? नहीं याद। असल में मोबाइल, ये जब से आए ना फ़ोन तब से ये मसला हो गया है
कि मतलब आपको नंबर्स दोस्तों के भी नहीं याद होते, जो नंबर्स आपने डायल किए हुए होते थे ना वो पहले गड़गड़ वो याद हो जाते थे, अब नहीं याद होते। बुलाए भाई काशी भाई को, बुलाइए बुलाइए जल्दी बुलाइए। जी आइए माइक पकड़े, बात शुरू करते हैं। हमने कुछ सवाल किए, आप बैठी रहे, हम उनसे पूछेंगे, आप उनको मत देखिएगा ताकि चीटिंग ना हो। शादी के बाद सबसे पहले आप दोनों किन के घर गए थे, याद है आपको कुछ? माइक करीब कीजिए, माइक घर पे गए थे हम, किसी के घर गए थे, माइक थोड़ा ऊपर। अपने ससुराल गया था मैं, डैडी अम्मी के घर। इन्होंने कहा आप कहीं और गए थे, कहाँ गए थे? वैसे तो हम लोग हैदरी पे गए थे गोलगप्पे खाने। ये आप बता रही है ना, इन्होंने कहा आपकी बहन के घर गए थे पहले। अच्छा नहीं यार, चलो गलत हो गया भाई। शादी के बाद सबसे पहले भाभी ने क्या चीज बनाई थी? नॉर्मली ज्यादातर लड़कियां यही बनाती हैं, है ना? हाँ, खीर बनाई थी। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा आपकी जनरल नॉलेज पहले ज्यादा थी या शादी के बाद ज्यादा हो गई है? शादी के बाद ज्यादा हो गई है। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है काशिफ? जब हाँ बहुत गुस्सा आता हो। सच बताना। बिल्कुल सच। जब ये बच्चों को मारती है। इस पे तो गुस्सा बनता है यार, अब क्यों मारती है बच्चों को? तमीजी कर रहे होते तब मारे नहीं ना, डांट ले डांट ले। आपको पता है अभी इंटरनेशनल लॉज में तो ये भी आया कि आप बच्चे को ऐसे नच भी नहीं कर सकते। आपको पता है अगर आपने बच्चे को यूं भी कर दिया तो वो उठा के ले जाते हैं। लेकिन कुछ और सोचो, किसी और बात पे बहुत गुस्सा आता हो। और बिल्कुल सही बता रहे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सीरियस आदमी है बेसिकली काशिफ। हाँ किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? ऑफिस से लेट आने पे। नहीं गलत। अच्छा भाभी को अगर कहीं हाई सैलरी ऑफर हो जाए जॉब, तो आप करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल सही जवाब सही है, जवाब सही है। मैं सोच सही नहीं कह रहा था। समंदर की सैर के दौरान साहिल पे टहलते हैं या आगे निकल जाते हैं स्विमिंग करते हुए? कौन है? हम लोग साहिल पे ही टहलते हैं ज्यादा। ठीक है, उससे में कंट्रोल होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मीटर हो जाते हैं बिल्कुल। उससे मुझे बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल में ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं कंट्रोल में ही रहता है। और भाभी से जब गुस्सा आता है ना तो मैं कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन जब दही मान लेता हूँ। आप जितना मर्जी गुस्सा कर ले, भाभी के सामने कुछ नहीं है वो गुस्सा। अच्छा अगर जज बनना पड़े तो कैसे जज साबित होंगे? हमने पूछा था इंसाफ पसंद होंगे या सख्त किस्म के होंगे, कैसे होंगे? नहीं नहीं इंसाफ पसंद। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करते हैं या सारी टाल देते हैं? बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करते हैं या टाल देते हैं, क्या करते हैं या बस क्या करते हैं? बैलेंस रखता हूँ वैसे तो मैं। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है, गौर से सुनना। आपको इनका मोबाइल नंबर याद है? जी बिल्कुल याद है। मुझे लगा नहीं है। इन्हें लगता है आपको इनका नंबर नहीं याद? कान में ऑन एयर क्या हो गया आपको? हाँ घर जाके आज घर चले फिर सुनाइएगा, लेकिन चले यार छोड़े आपको जाने दिया। अल सिराज फार्म हाउस का ये पैकेज, IHIG happily का ये पैकेज आपके साथ जाएगा। IHIG happily पाकिस्तान की नंबर वन ओनरशिप कंपनी, ये लीजिए ये जरूरी है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।